को ईश्वर सफलता दे, उनको ईश्वर खुशियां दे। दिस इज व्हाट इंडिया एंड पैलेस्टाइन का हम शुरू से मदद करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमने अगर ये कहा है, हम टेररिज्म पे के अगेंस्ट में है। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक विभत्स आतंकवादी घटना थी, और जो भी आज इसराइल और हमास में हो रहा है वो बिना 7 अक्टूबर के बात नहीं की जा सकती। इसलिए हम 7 अक्टूबर को भी कंडेम करते हैं। उसी तरीके से हम पैलेस्टाइन के लोगों तक यदि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की एड नहीं पहुंच पा रही है तो हम उसको भी कंडेम करते हैं, और हम पैलेस्टाइन को बिल्कुल एड देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिस्टर्बेंस में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज के साथ फिर हाजिर हूं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी चल रही है, साथ में पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था भी पाकिस्तानी डाउनडोल हो चुकी है, और अर्थव्यवस्था को सुधार होने का भी कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। हालांकि सिर्फ एक ही चीज़ में सुधार हो रहा है, वो है कि हर बार कर्जे के अंदर सुधार हो रहा है। जल्दी से जल्दी कर्जा और कैसे लिया जाए, इसी चीज़ के अंदर सुधार हो रहा है। और साथ में एक तरफ भारत है जो अपने आए दिन नई तरक्कियों की ऊंचाइयों को छू रहा है, और साथ में अपने आस पड़ोस के देशों और आस पड़ोस को क्या पूरे विश्व में जिस देश को भी भारत की ज़रूरत महसूस होती है, भारत उसकी हमेशा से मदद करता है। और इस चीज़ के लिए भी पाकिस्तान को हमेशा से मिर्ची लगती रहती है कि भारत दूसरे देशों की मदद करता है और पाकिस्तान के साथ ट्रेंड शुरू नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ का भी पाकिस्तान हमेशा से प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो भारत पाकिस्तान को कोई भाव नहीं देता, और पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड शुरू हो ताकि पाकिस्तान के में कुछ सुधार हो सके। इसी से रिलेटेड न्यूज है दोस्तों, न्यूज बड़ी जबरदस्त अपन तक हमारे साथ जुड़ रही है। चलिए न्यूज को करते हैं स्टार्ट। सिंगो सपोर्ट के लिए कुछ समझ नहीं पा रहे पाकिस्तानी, कि एक तरफ इसराइल का साथ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ फलस्तीन को भी हेल्प की जा रही है, तो ये क्या मामला है? मानवता का मामला है हमारी। हम अगर भाई एक बात बताइए, आप अपने बड़े बेटे को यदि एक साइकिल दिलाती है, इसका मतलब थोड़ा कि छोटे बेटे से नफरत करता है आदमी। ट्रांजैक्शन के हिसाब से, जरूरतमंदों के हिसाब से वो मदद करता है। हमारी पॉलिसी क्लियर है फ्रॉम द डे वन कि 2-state solution होना चाहिए, यहूदियों को भी वहां जगह मिलनी चाहिए, और जो वहां के मुसलमान हैं, पैलेस्टीनियन कह ले या अरबी जो भी है, उनको भी वहां जगह मिलना चाहिए। दोनों से एक साथ मिलकर के रहे, आपस में एक ही फिलोसफी के लोग हैं, एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं। और देखिए, भारत को समझना, आप खुद समझिए, आप इसी भारत की बेटी है। ये इंडिया ने नहीं किया, अगर शायद इंडिया होता तो ये नहीं कर पाता, ये भारत ने किया है। भारतीय होने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं तो क्या मुझे भारतीय बनाता है? आरजू जी, व्हाट मेक्स मी अ इंडियन, व्हाट मेक्स मी अ भारतीय? तो वो बनाता है कि हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, हम सबके सुख की कामना करते हैं, हम सबके भले की कामना करते हैं, हम किसी का कल्चर या किसी का मजहब नहीं मिटाना चाहते, हम चाहते हैं सब अपने अपने अकीदे पे, अपने अपने विश्वास पे, अपने अपने ईष्ट के का वो वंदन करते रहें और उनको ईश्वर सफलता दे, उनको ईश्वर खुशियां दे। दिस इज व्हाट इंडिया एंड पैलेस्टाइन का हम शुरू से मदद करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमने अगर ये कहा है, हम टेररिज्म पे के अगेंस्ट में है। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक विभत्स आतंकवादी घटना थी, और जो भी आज इसराइल और हमास में हो रहा है वो बिना 7 अक्टूबर के बात नहीं की जा सकती। इसलिए हम 7 अक्टूबर को भी कंडेम करते हैं। उसी तरीके से हम पैलेस्टाइन के लोगों तक यदि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की एड नहीं पहुंच पा रही है तो हम उसको भी कंडेम करते हैं, और हम पैलेस्टाइन को बिल्कुल एड देंगे। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और आप ही ने मुझे न्यूज दी है कि $2.25 lakh यानी कि $25 lakh विच कम्स टू बी 200,000 to 2,500,000 US dollar सो हमें देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? तो इसको ये क्यों कह रहे हैं कि हम इसराइल का साथ दे दिए तो फलस्तीनियों पे बम मार देंगे, फलस्तीन का साथ दे दिए तो हम पे जाके इसराइली पे बम मार देंगे? ऐसे नहीं होता भाई, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। हम सबका जो सबकी मदद करेंगे वो उनका मसला है, वो आपस में निपटाए, हमारे लिए दोनों एक समान है, बात खत्म हो गई। लेकिन अभिषेक जी, आपके ख्याल से फलस्तीन और
इसराइल के बीच में जो डिस्प्यूट है सालों से चलता आ रहा है, ये आखिर सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे, या ये भी हमारी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह जैसे हम कश्मीर को लेके बैठे हुए हैं? ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थियरी की है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों को बैठना पड़ेगा और जो दुनिया जिस समय में जी रही है और जिन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत जी रही है, वही पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट उनको भी अपनाना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म इसके थ्रू ही ये सॉल्यूशन होगा। पैलेस्टाइन हमास कह लें, पैलेस्टाइन इसराइल कह लें, इसराइल हमास कह लें, इस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करने की क्षमता किसी भी देश के पास नहीं है सिवाय यहाँ के लोकल लोगों के पास, क्योंकि अमेरिका ने कितने न जाने कब से कैंप डेविड अकॉर्ड हो रहा है, तो कभी कोई अकॉर्ड हो रहा है, कभी मतलब कितने अकॉर्ड साइन हो चुके हैं, आई हैव नो आइडिया, बिल क्लिंटन से लेकर के जॉर्ज बुश से लेकर के अभी जो रिसेंट वाले ट्रंप थे, सबने कोशिश की, बट इट्स नॉट गेटिंग रिजॉल्व। यूनाइटेड नेशन जब ये शुरू हुआ था तो यूएन ने जो वो ग्रीन मैप और वो सब दिया था, उसी समय मामला सॉल्व हो जाना चाहिए था। दोनों अरबों को और यहूदियों को कहा था कि आप अपने अपने जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। दोनों लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए, ना तो इसराइल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, हालांकि उन्होंने एक पहला दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, पीस मिल लेजिस्लेशन करेंगे। तो उनका जो नेसेट है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसने पीस मिल लेजिस्लेशन किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना तो इसराइल का है ना तो पैलेस्टाइन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। वो दोनों लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है, बट मैं फिर वही कह रहा हूँ, इस समस्या का निवारण किसी के गुड ऑफिसेज में, किसी के गुड ऑफिसेज में इतना दम है ही नहीं जब तक वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो स्वयं से इनलाइटेंड नहीं हो जाएगी, उसको ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि मार काट और हत्या और वॉयलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये रियलाइजेशन आना है, इस रियलाइजेशन को आने का तरीका और माध्यम क्या होगा, ये ना तो अमेरिका सिखाएगा ना तो भारत सिखाएगा, ये वहां के लोगों को स्वयं से सीखना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हर एक का एक मतलब हर कंट्री या हर लोग, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर कहीं किसी कंट्री में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो अमेरिका सॉल्व कर सकता है। अमेरिका जो है उसको सुपर पावर माना जाता है और लगता है कि अमेरिका सॉल्व कर देगा, लेकिन अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके ऊपर भी फायरिंग की गई और ये सब, तो अमेरिका तो खुद उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि ये जो फायरिंग हुई और ट्रंप साहब जो जख्मी हुए हैं, उससे अमेरिका के इलेक्शंस में रिजल्ट्स जो हैं वो कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? पहली बात की जिसने भी ये कहा कि अमेरिका ने प्रॉब्लम सॉल्व किए, फॉर गॉड्स सेक, अमेरिका और वेस्ट आज की दुनिया के कम से कम 80% समस्याओं का कारण है। भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन, कश्मीर का मुद्दा, ये क्या हमारा आपका क्रिएटेड है? ये उनका क्रिएटेड है, जो जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को फरोग दिया, यहाँ के लोगों को कहा तुम अलग हो, ये हो वो, अपनी शाणपत करते चले गए। पहले उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू किया, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब किसी चीज को हवा देते चले गए वो। मैं और ज्यादा एनालिसिस के में नहीं जाना चाहता, पॉइंट ये है कि आप जो है, जैसे कल मैं ना एक औरिया मकबूल जान साहब है आपके, मैं उनको सुनाता, उन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी तो भाई दुनिया जो है वो ऐसे चलती है गैर मुस्लिम और मुस्लिम के हिसाब से, वो उसको टू नेशन थ्योरी मानते हैं, वो बात आप समझिए। इसको यहाँ के लोगों ने, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा हवा दी हमारे ही लोगों को, क्योंकि मैं मानता हूँ आरजू जी आप मेरी हैं, बिल्कुल कोई इसमें लाग लपेट नहीं है, हम एक परिवार के बच्चे हैं, अब आपकी रग में वही खून बह रहा है जो हमारी रगों में खून बह रहा है, वी आर नॉट डिफरेंट। हमारे गॉड अलग अलग हो सकते हैं, आपका गॉड है, मेरा तो है भी नहीं, तो ये अलग अलग हमारे आपके मन से है, ठीक है ना। तो अमेरिका ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की है, वेस्ट ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वियतनाम में किसने, आज चाइना से लड़ने पड़े हैं, क्वाड बना रहे हैं, इंडिया की हेल्प चाहिए, और चाइना को बनाया किसने, वो इन्होंने बनाया। हेनरी किसिंजर पहुंच गए थे कि भाई चाइना को कब तक अलग रखोगे, फिर उसको इतना बिजनेस दिया कि वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, दुनिया की फैक्ट्री बन गई, इतना पैसा कमा लिया कि आप खुद ही डर गए कि यार ये क्या कर दिया, अब इसको कम करो, पहले आप फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर तैयार करो और सारी दुनिया जाके आपकी गंदगी को साफ करे। अफगानिस्तान देख लेना, रशिया आया था, आपको आने की क्या जरूरत थी, आप आ गए, आपने डॉलर ले आए, फिर सऊदीया से कहा पेट्रो डॉलर दो, पाकिस्तान जैसे परम ज्ञानी लोग हैं ये समाज में, उन्होंने कहा ठीक है डॉलर दो, हम तुम्हें आदमी दे रहे हैं, तुम मुझे, जैसे एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक हमारे यहाँ बहुत फेमस वो है टैगलाइन है
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी ने कहा था। तो आप क्या पे था, आप मुझे पेट्रो डॉलर दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप समझ रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि आप अमेरिका ने हर जगह पे वियतनाम, अफगानिस्तान, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जो है दुनिया भर का सरदर्द बना, उनके लिए सरदर्द बना, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन लेके बैठा हुआ है। सो अमेरिका हैज नेवर बीन अ वेस्ट हैज नेवर बीन अ सॉल्वर ऑफ अ प्रॉब्लम। वेस्ट इज द वेरी रीजन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग ऑल द प्रॉब्लम, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी विटनेसेस टुडे इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न फिलॉसफी। नाउ आते हैं अमेरिका के इलेक्शन पे। सबसे पहली बात देखिए, ये ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का टाइम नहीं है, ये किसी के यहां भी हो सकता है, और ये ना हो तो अच्छा है कि इलेक्शन के कंटेस्टेंट के ऊपर। तो देखा दोस्तों आपने हालात क्या चल रहे हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान किस चीज़ की हमेशा से कोशिश करता है। अगर भारत किसी दूसरे देश की, अभी जैसे कि भारत ने फिलिस्तीन की मदद की है, तो पाकिस्तान को इस चीज़ के से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि भारत उस देश की मदद क्यों कर रहा है और इस देश की मदद क्यों कर रहा है। हालांकि भारत में हमेशा से धर्मनिरपेक्ष पर प्राथमिकता दी गई है, और भारत हमेशा से किसी भी देश के साथ में अपने संबंध सुधारने के लिए हमेशा आगे ही रहा है, और किसी भी देश के साथ में सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर तो किसी भी देश के साथ में भारत की कोई दुश्मनी भी नहीं है। हमेशा सिर्फ दुश्मनी भी क्या है कि पाकिस्तान ने हमेशा से पीठ में चुरा खंजर घोपा है, और जितनी भी डील्स हुई उसके लिए भी हमेशा से पाकिस्तान ने हाथ पीछे खींचा है। हालांकि भारत ने तो अभी भारतीय नेवी भी अब तक भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की और पाकिस्तानी नागरिकों की मदद करता रहता है, क्योंकि भारत के लिए हमेशा से इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।